सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूजिक वीडियो का थंबनेल बनाना सीखेंगे। लेकिन मैं अपने हर थंबनेल ट्यूटोरियल वीडियो में थंबनेल बनाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं एंड कुछ आइडियाज देता हूं, जिससे आप लोग अपने थंबनेल को और ज्यादा अच्छा बना पाते हैं। एंड मैं थंबनेल बनाने से पहले जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता हूं, वो आपको लाइफ टाइम काम देगा। एंड मैं आप लोग को थैंक यू भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी तक 95% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थंबनेल चाहे म्यूजिक वीडियो का हो, चाहे कॉमेडी वीडियो का हो, चाहे गेमिंग चैनल के लिए हो, उस पर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन म्यूजिक वीडियो के थंबनेल पे जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम कौन सा फॉन्ट डाउनलोड करें एंड कौन से म्यूजिक थंबनेल पे कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे जिससे वो थंबनेल अच्छा लगेगा। क्योंकि म्यूजिक भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसके थंबनेल भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो अगर आपका म्यूजिक वीडियो भक्ति सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक, लव म्यूजिक इस टाइप्स के हैं, तो उसमें आपको सेंस सेरिफ एंड स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज करना है। तो ये कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी बताता हूँ, रुको। एंड अगर आपका म्यूजिक वीडियो रैप है या कोई बदमाशी टाइप का सॉन्ग है, तो उसमें आपको डिस्प्ले फॉन्ट एंड सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज करना है। तो अब ये सेंस सेरिफ, डिस्प्ले, स्क्रिप्ट, ये क्या है? ये फॉन्ट्स के कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। मैं DA फॉन्ट वेबसाइट पे आ चुका हूँ, यहाँ से आप लोग फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं गूगल फॉन्ट पे भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जब आप लोग आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग जूम करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि बेसिक्स में आप लोग को सेंस सेरिफ, सेरिफ फिक्स्ड, विड्थ, वेरियस, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिल जाते हैं। तो आप जैसे सेंस सेरिफ पे टैप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट का कैटेगरी आ गया, फॉन्ट्स आ गए। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जैसे प्रीव्यू पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप योर टेक्स्ट हियर। तो यहाँ पे आप लोग के गाने का जो भी टाइटल है वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, या जो भी आप लोग को टाइप करना है सिंपली यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे माही लिखा है, देन माही लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड इसको सबमिट कर दूंगा। देन यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कौन से फॉन्ट में मेरा जो टेक्स्ट है वो अच्छा लग रहा है, देन वो फॉन्ट डाउनलोड कर सकता हूँ मैं सिंपली इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप करके। एंड मैंने जो आप लोग को बताया था डिस्प्ले फॉन्ट, सेंस सेरिफ फॉन्ट, वो चीज़ आप लोग को यहीं पे देखने को मिल जाएगा। जैसे सेंस सेरिफ, यहाँ पे आप लोग को स्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को डिस्प्ले लिखा हुआ नहीं मिल रहा होगा, तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये जितने भी फॉन्ट्स हैं फैंसी में, ये सब डिस्प्ले कैटेगरी में ही आते हैं। कार्टून, कॉमिक, ग्रूवी, ओल्ड स्कूल का, ये सारे फॉन्ट डिस्प्ले कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैं डिस्ट्रॉय पे अभी टैप करूंगा, तो कुछ इस टाइप के फॉन्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि डिस्प्ले फॉन्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो मैं यहाँ से एक फॉन्ट डाउनलोड कर लूंगा स्क्रिप्ट में जाके। तो यहाँ से मुझे ये वाला फॉन्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला फॉन्ट मैं सिंपली डाउनलोड कर लूंगा। इस फॉन्ट का नेम आप लोग देख सकते हैं, देन यहाँ से मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो अभी हम लोग गूगल फॉन्ट के वेबसाइट पे आ चुके हैं। देन यहाँ से आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे फॉन्ट्स को एंड कैसे सेलेक्ट करेंगे, चलिए वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सिंपली आप लोग को फिल्टर के ऑप्शन पे टैप करना है, देन यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है जो भी आपके सॉन्ग का नेम है या जो भी आप लोग यहाँ पे लिख के देखना चाहते हैं कि मेरा फॉन्ट इस टाइप से दिखे, देन आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। देन यहाँ से आप लोग साइज सेलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट का, देन यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है, लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा सेरिफ, स्लैब सेरिफ, सेंस सेरिफ एंड क्लासिफिकेशन में डिस्प्ले, एंड यहाँ पे आप लोग को स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग लिखा हुआ है, तो ये स्क्रिप्ट के कैटेगरी में ही आता है ये फॉन्ट। तो यहाँ पे हम लोग हैंडराइटिंग पे टैप करेंगे जो कि हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट है, देन यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। देन हम लोग यहाँ पे फॉन्ट देखेंगे कि हमारा आया कि नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्क्रिप्ट फॉन्ट है वो आ चुके हैं यहाँ पे, एंड आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो फॉन्ट के कैटेगरी बताए उसमें सेंस सेरिफ भी था एंड स्क्रिप्ट भी था, डिस्प्ले भी था एंड सेंस सेरिफ भी था। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले एंड स्क्रिप्ट है वो आप सॉन्ग के नेम में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड सॉन्ग थंबनेल में जब नीचे में आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर का नेम सब लिखेंगे, तो वहां पे आपको सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज करना है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। एंड आगे अभी मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। तो अभी हम लोग का आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप लोग को सिंपल चूज करना है, एंड जो भी बैकग्राउंड आप लोग चूज करेंगे वो आपके म्यूजिक वीडियो के थीम के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। देन आप लोग जो म्यूजिक वीडियो के लिए फोटो क्लिक करेंगे वो आपका हाई क्वालिटी में होना चाहिए, अलग से आप लोग को फोटो क्लिक करना है, म्यूजिक वीडियो में से आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। एंड फोटो का बैकग्राउंड जब आप लोग रिमूव करेंगे तो आपको फोटो रूम एप्लीकेशन का यूज करना है, उसमें क्वालिटी डिक्रीज बहुत कम होता है, बाकी सारे ऐप्स से तो कम ही होता है। एंड बाकी सारी चीजें हम लोग थंबनेल बनाते बनाते सीखेंगे एंड सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो थंबनेल बनाने के लिए हम लोग पिक्सल ऐप, लाइट रूम एंड PSCC ऐप का यूज करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है थंबनेल क्रिएट करने में, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो
अभी आप लोग को पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे आ जाना है, देन यहाँ पे आप लोग को अपना टेक्स्ट लिखना है, तो न्यू टेक्स्ट पे मैं डबल टैप करूंगा, देन यहाँ पे मैं अपना सॉन्ग का नेम लिख लेता हूँ। तो मैं माही सॉन्ग पे बना रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं माही माही बारी क्यों लिख रहा हूँ, तो यार जो मैंने सॉन्ग का नेम चूज़ किया वो माही चूज़ किया है क्योंकि मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था, एंड ये एम एस धोनी के थीम पे बेस होगा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग थंबनेल अभी बनाएंगे। तो देन यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख लिया, देन आप लोग को ए वाले ऑप्शन पे आना है, एंड यहाँ से ए बी वाले ऑप्शन पे टैप करके जो आपने फॉन्ट डाउनलोड किया है वो सिलेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा फॉन्ट, इसको आप लोग को एक्सट्रैक्ट कर लेना है डाउनलोड करने के बाद, देन यहाँ पे ऐड कर लेना है पिक्सल लैब में, देन यहाँ से हम लोग ओके करेंगे। तो ये मैंने सब कैपिटल में लिखा था, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, मैं इस पर दोबारा डबल टैप करूंगा एंड सबको स्मॉल में करूंगा, एंड सिर्फ एम को हम लोग कैपिटल में रखेंगे, देन यहाँ से ओके करेंगे, एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एंड बैकग्राउंड को हम लोग को ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव एज पीएनजी करना है। तो सेव एज इमेज पे पहले आप लोग को टैप करना है, देन फॉर्मेट आपका पीएनजी होना चाहिए, देन डिफॉल्ट पे टैप करके इसका जो क्वालिटी है आप लोग को अल्ट्रा कर लेना है डायमेंशन को, देन यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है। तो आप लोग को PSCC एप्लीकेशन पे अब आ जाना है, देन आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे टैप करना है, हाइट आपका 1080p रहेगा, बस आप लोग को विड्थ चेंज करना है, यहाँ पे 1920 आप लोग को टाइप कर देना है, देन यहाँ से डन करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद आप लोग को अपना बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ पे हम लोग जो थंबनेल बना रहे हैं सॉन्ग का, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो सॉन्ग का थंबनेल रहेगा वो आपके वीडियो का थीम के हिसाब से या सॉन्ग के थीम के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ, हमारे सॉन्ग का नाम मैंने माही रखा है जो कि MS धोनी सर के ऊपर बन रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग को बनाना है। तो बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे स्टेडियम का इमेज चूज किया, तो चलिए मैं इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज लेने के लिए आप लोग को सिंपली इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, प्लस के आइकन पे टैप करना है, फोटो लेयर पे टैप करना है, देन फोटो लाइब्रेरी पे टैप करना है, आपके फोन का गैलरी ओपन हो जाएगा, देन यहाँ से मैं अपना इमेज सेलेक्ट करूंगा, देन हमारा स्टेडियम का इमेज कुछ इस टाइप का है, देन मैं इसको पहले स्क्रीन में कर लूँगा, कुछ इस टाइप से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, देन यहाँ से डन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग माही सर का इमेज लेंगे। तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को टैप करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे, देन प्लस के आइकन पे टैप करना है, फोटो लेयर पे टैप करना है, फोटो लाइब्रेरी पे टैप करना है इमेज लेने के लिए। तो मुझे गूगल पे जो सबसे अच्छा इमेज लग रहा था वो यही लग रहा था, बट इस इमेज के साथ एक प्रॉब्लम भी आ गया कि ये इमेज का जो थीम है ये पहले से कलर ग्रेडेड है, एंड जो हमारा स्टेडियम है वो डिफरेंट टाइप का, जो कि बिल्कुल मैच नहीं करेगा, तो इसको हम लोग को मैच करवाना पड़ेगा। एंड इसी एक चीज़ से देखिए हमारा थंबनेल कितना अच्छा हो जाएगा, देन मैं यहाँ से पहले इसको डन करता हूँ, एंड वापस से हम लोग ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे को पहले ही एडजस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन वीडियो बनाते टाइम यही सब होता है, थोड़ा ध्यान वीडियो पे भी रहता है एंड थंबनेल पे भी रहता है, तो नहीं हो पाता है। तो अभी मैं इसको अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये हमारे थंबनेल में अच्छा लगे। तो इतना मुझे काफ़ी लग रहा है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इमेज को, देन इतना काफ़ी है, देन यहाँ से हम लोग डन करेंगे। देन उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस वाले लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, देन आप लोग को स्टेडियम का इमेज सेलेक्ट करना है, देन आप लोग को एफएक्स के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बेसिक, स्टाइलिश, आर्टिस्ट, फोटो, तो आप लोग को स्टाइलिश वाले ऑप्शन पे जाना है, ग्रेडियंट मैप पे जाना है। तो ग्रेडियंट मैप पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को चार कलर मिलते हैं, कलर वन, कलर टू, कलर थ्री, कलर फोर। तो जो हमारा कलर वन टू है वो आपका शेडो है, एंड कलर थ्री फोर है जो आपका वो हाईलाइट है। तो इसका मतलब क्या है, कलर वन में आप लोग को सबसे डार्केस्ट जो कलर होगा इस इमेज में, एंड जो हमने माही सर का इमेज लिया है वो आप लोग को सेलेक्ट करना है, कलर टू में उससे थोड़ा कम डार्क सेलेक्ट करना है, कलर थ्री में उससे कम, एंड कलर फोर में जो सबसे हाईलाइटेड रहेगा वो वाला आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कलर वन में जो डार्केस्ट कलर है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को कलर वन पे टैप करना है, देन यहाँ से कलर पिकर टूल पे आप लोग को टैप करना है, देन यहाँ पे हेलमेट में सबसे डार्केस्ट कलर है तो यहाँ से हम लोग कुछ स्टेप से सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कलर वन, कलर टू, कलर थ्री, कलर फोर पहले से मेरा सेलेक्टेड है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था थंबनेल बनाने का, तो इस कारण से जो हमारा सेव था प्रोजेक्ट्स में तो वो वापस से यहाँ पे आ चुका है, तो उस कारण से, बट फिर भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो वापस से हम लोग कलर पिकर टूल पे ऐसे टैप करेंगे, एंड यहाँ से उससे कम थोड़ा डार्क जो कलर है वो कपड़े पे है, तो यहाँ से हम लोग कलर को सेलेक्ट करेंगे। देन कलर थ्री पे भी हम लोग ऐसे करेंगे कलर पिकर टूल से, देन थोड़ा सा कम डार्क यहां से ये वाला कलर मैंने चूज किया, देन कलर फोर पे जो हाइलाइटेड कलर है यानी कि जो सबसे कम डार्क बोल सकते हैं कलर है वो यहां पर है, तो ये वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बट यहां पे भी मुझे दिख रहा है, तो यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कलर कुछ इस टाइप से। तो ये देख सकते हैं हम लोग के जो थीम से मैच करने लग गया अब स्टेडियम का जो कलर है वो इमेज से, तो यहाँ से हम लोग डन करेंगे, बट अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है अजीब टाइप का। तो इसको सही करने के लिए आप लोग को वापस से धोनी सर का आप लोग को इमेज सेलेक्ट करना है लेयर वाले ऑप्शन पर जाके, देन एंड टूल पर जाना है, देन यहाँ से आप लोग को फेड के ऑप्शन पर जाना है। तो ये कुछ अजीब लग रहा है अभी आप लोग को फेड, तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, एंड यहाँ पर जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को फोर लाइन दिखेगा राइट साइड में, तो यहाँ पर आप लोग को टैप करना है, देन आप लोग को क्या करना है, लीनियर टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है, देन आप लोग को यहाँ पे इसको रिवर्स कर देना है कुछ इस टाइप से, नहीं भी कर सकते हैं, देन मैं इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ एडजस्ट, बस आप लोग को इसी टाइप से एडजस्ट करना है, देन देखिए अभी हम लोग का थंबनेल कितना अच्छा लगेगा।
तो ये देख सकते हैं पहले हम लोग का थंबनेल कैसा था एंड अभी कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा थीम के साथ मैच करने लग गया। तो पहले कुछ ऐसा था, अब कुछ ऐसा हो गया, तो देख सकते हैं पहले से कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ लाइट्स ऐड करने हैं, तो सिंपली आप लोग को एक एम्प्टी लेयर लेना है। तो इस प्लस के आइकन पे आप लोग टैप करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे जाके एम्प्टी लेयर लेंगे, देन यहाँ से डन करेंगे एंड एंड के टूल पे जाना है आप लोग को, ग्रेडियंट पे टैप करना है एंड ग्रेडियंट पे टैप करने के बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। देन ये जो हम लोग का ये जो फर्स्ट कलर रहेगा इसको आप लोग को टैप करना है इस पर। देन यहाँ से हम लोग व्हाइट लेंगे, बट यहाँ पे हम लोग को पूरा व्हाइट नहीं लेना है, कलर पिकल टूल पे आप लोग को टैप करना है। देन यहाँ से आप लोग को कलर को पिक करना है, देन इसका जो ब्राइटनेस है आप लोग को फुल करना है। देन सेकंड वाले को आप लोग को पूरा ट्रांसपेरेंट कर देना है इसका कलर। हम लोग को दो ही नोड यहाँ पे रखना है, देन आप लोग को इसको एडजस्ट करना है कुछ इस टाइप से, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे आप लोग एडजस्ट करके इसको डन कर देना है। देन आप लोग को इसको लीनियर डॉज कर देना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके। देन इसको हम लोग लीनियर डॉज कर देंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही लाइट आ गया। देन इसका ओपेसिटी हम लोग को थोड़ा सा कम कर लेना है ओपेसिटी। देन यहाँ से हम लोग डन करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग को लेना है टेक्स्ट, जो कि हम लोगों ने पिक्सल लैब में लिखा था। तो सिंपली प्लस के आइकन पर टैप करना है, फोटो लेयर पर टैप करना है एंड हम लोग को टेक्स्ट लेना है। तो यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट में लिखा था माही, वो हमने ले लिया। देन इसको मैं बड़ा कर लूँगा कुछ इस टाइप से, बाद में भी आप लोग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाके। एंड यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लूँगा, देन यहाँ से डन करेंगे। बट यहाँ पर जो लाइट पे है व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है, प्लस के आइकन पर टैप करना है, एम्प्टी लेयर लेना है एंड इसको अपने टेक्स्ट के नीचे रखना है। देन यहाँ से डन करेंगे, एंड टूल पर जाएंगे एंड यहाँ से आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे जाना है ग्रेडियंट पे। देन जैसे कि अभी हम लोगों ने लाइट का ग्रेडियंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आप लोग को बस कलर चेंज करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को जाना है, देन यहाँ से आप लोग को जो कलर है अभी इसका ब्राइटनेस आप लोग को कम कर देना है कुछ इस टाइप से। देन इसका सेचुरेशन आप लोग को बढ़ा देना है। तो यहाँ पे हम लोग का तीन नोड बन गया, तो एक नोड मैं हटा दे रहा हूँ। देन इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप लोग को एडजस्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन यहाँ से हम लोग डन करेंगे एंड इसका जो ओपेसिटी है मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही मुझे लग रहा था। देन माही वाला जो हम लोग का टेक्स्ट है उसको हम लोग को डुप्लीकेट करना है। देन नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, एफएक्स पे जाना है, देन बेसिक्स पे जाना है एंड यहाँ से आप लोग को ड्रॉप शैडो पे टैप करना है एंड इसको हम लोग ड्रॉप शैडो देंगे। तो ड्रॉप शैडो में हमने इसको ब्लर 8% का दिया, डिस्टेंस आप लोग को 4 ही रखना है, इंटेंसिटी को आप लोग को 100 रखना है। देन इसका बस हम लोग एंगल थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड इंटेंसिटी को भी मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ। देन डिस्टेंस को हम लोग हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे 19 का सही लग रहा है, देन यहाँ से हम लोग डन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग को सबसे ऊपर में एक एम्प्टी लेयर लेना है, सबसे ऊपर में जाके आप लोग को देन यहाँ से डन करेंगे। देन आपको जाना है एंड टूल में फिल एंड स्ट्रोक में एंड यहाँ इसको ब्लैक कलर से फिल कर देना है। देन यहाँ से डन करेंगे, फिर एंड टूल पे जाना है आप लोग को, फेड के ऑप्शन पर टैप करना है एंड इस बार हम लोग को सर्कल में एक फेड क्रिएट करना है, बट इस टाइप का नहीं। अगर इस टाइप का हो जाता तो सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर जाके इसको रिवर्स कर देना है एंड कुछ इस टाइप का आप लोग को फेड क्रिएट करना है। देन यहाँ से डन करेंगे, एंड टूल पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे एंड इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे हम लोग सेंटर में कर लेंगे इसको। देन फिर से हम लोग एंड टूल पे जाएंगे, फेड पे जाएंगे, फेड में जाएंगे एंड कुछ इस टाइप से हम लोग इसको फिर से फेड कर लेंगे एंड 2-3 बार बस आप लोग को फेड करना है। तो पहले कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो गया। एजेस पे देख सकते हैं थोड़ा डार्केस्ट टाइप का आ चुका है। देन इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए एज पे आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, जो लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोग को। देन यहाँ पे आप लोग को ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, कलर आप लोग को यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करना है। देन ब्रश पे आप लोग को जाना है, इसका साइज आप लोग को बड़ा कर देना है, हार्डनेस को कम कर देना है, फ्लो को आप लोग को अराउंड 50% यहाँ पे रखना है। देन ओपेसिटी को हम लोग कम कर देंगे। देन आप लोग को कुछ इस टाइप से नीचे में ड्रॉ कर देना है कुछ इस टाइप से एंड एफएक्स पे जाना है, गॉशन ब्लर पे जाना है एंड इसको पूरा आप लोग को ब्लर कर देना है कुछ इस टाइप से। देन इसको आप लोग को डन करना है, सेव करना है। देन इस शेयर के ऑप्शन पे टैप करना है, सेव टू गैलरी पे टैप करना है। जो हमने थंबनेल बनाया उसको आप लोग को सेलेक्ट करना है, जेपीईजी से आप लोग पीएनजी भी कर सकते हैं, नहीं तो जेपीईजी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। देन इसको ओके करके आप लोग को सेव कर लेना है। उसके बाद आप लोग को अपने थंबनेल को लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ से आप लोग को एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो सब एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया है 13%, एक्सपोजर को हल्का सा हमने कम करा है एंड हाईलाइट को भी हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे एंड यहाँ पे शैडो को हम लोग बढ़ाएंगे एंड व्हाइट को भी हम लोग हल्का सा इंक्रीज करेंगे एंड ब्लैक को हम लोग कम करेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने 39 कर लिया कॉन्ट्रास्ट को। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, कलर के ऑप्शन पे। देन टेम्परेचर को हम लोग कम करेंगे 2 के अराउंड हम लोग इसको करेंगे। देन टिंट को आप लोग को हल्का सा कम करना है, ज़्यादा नहीं कम करना है आप लोग को। देन वाइब्रेंस को आप लोग को बढ़ाना है, सैचुरेशन को आप लोग को हल्का सा कम करना है, यहाँ पे मैं -4 कर लेता हूँ। देन आप लोग को जाना है इस वाले ऑप्शन पे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। टेक्सचर को आप लोग को बढ़ाना है, टेक्सचर को बढ़ा देना है। देन क्लैरिटी को आप लोग को थोड़ा सा बढ़ाना है, विग्नेट को आप लोग को कम करना है। देन यहाँ पे आप लोग को आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे, डिटेल वाले ऑप्शन पे। देन शार्पनिंग को आप लोग को बढ़ाना है, शार्पनिंग को मैंने 31 रखा है। देन यहाँ पे आप लोग को मास्किंग को कुछ 2 फिंगर की हेल्प से कुछ इस टाइप से आप लोग को बढ़ाना है। यहाँ पे मैं इसको फुल कर देता हूँ। देन आप लोग को नॉइज रिडक्शन को आप लोग को हल्का सा बढ़ाना है, ज्यादा नहीं। देन उसके बाद आप लोग को आ जाना है जियोमेट्री वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ पे आप लोग को जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसको आप लोग को हल्का सा कम करना है एंड ये वाला सेटिंग चाहे तो आप नहीं भी कर सकते, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। देन यहाँ से हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड सेव टू डिवाइस करेंगे।
तो अभी हम लोग दोबारा से पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे आ चुके हैं एंड मैंने ये थंबनेल को इंपोर्ट कर लिया जो हमने लाइट रूम में अभी एडिट किया। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है इस पे सिंपली डबल टैप करके अभी हम लोग को नेम्स लिखना है, जैसे कि जो डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे या एक्टर होंगे, उनका जो नेम लिखा जाता है या जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं वो लिखना है। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो क्या, वो मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्टर का नेम, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्टर। तो यहाँ पे हमने सब कैपिटल में लिखा है, देन यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का एक साइन दे देता हूँ, आप लोग नहीं भी दे सकते हैं। देन यहाँ से हम लोग डन करेंगे एंड अभी जो इसका जो फॉन्ट है वो आप लोग को कौन सा लेना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ए वी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, हम लोग बेसिकली पॉपिंस फॉन्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉपिंस का ना बहुत सारा फैमिली होता है, मतलब कि जैसे कि बोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, सेमी बोल्ड हो गया, मीडियम हो गया, रेगुलर हो गया। तो आप लोग जो एक्टर लिखेंगे ना या जो भी आप लोग जिसका नेम लिखेंगे, फिर वो कुछ होगा उसका रोल उसमें, तो वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जो रोल होगा वो आप लोग को लिखना है जो पतला फॉन्ट हो, जैसे कि बोल्ड हो गया, सेमी बोल्ड हो गया या मीडियम हो गया या रेगुलर में आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसको लिख रहा हूँ बोल्ड में एक्टर को, तो मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ बहुत, यहाँ पे हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए थंबनेल को पहले जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोग को अच्छे से दिखा सकूँ। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में लिखेंगे, देन मैं एक्टर को यहाँ पे छोटा कर लूँगा एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा दूंगा। मैं आप लोग को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखेगा, देन मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे अभी हम लोग का जो यहाँ पे मेन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले इसका फॉन्ट चेंज करूँगा। अभी हम लोग को नेम लिखना है बट मैंने यहाँ पे एक्टर ही लिखा हुआ है, अभी हम लोग चेंज करेंगे। तो एक्टर जैसे हमने बोल्ड में लिखा था तो इसको हम लोग को एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, मतलब जो हम लोग का मेन कैरेक्टर का नेम रहेगा वो ज़्यादा मोटे वाले फॉन्ट से लिखना है आप लोग को, लेकिन फैमिली सेम रहना चाहिए एंड आप लोग सेंस सेरिफ फॉन्ट से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड कर रहा हूँ इसको, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पहले नेम चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे माही लिख ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे माही लिखा है, देन यहाँ पे आप लोग साइज वगैरह देख लीजिएगा। तो अभी भी ये अच्छा नहीं लग रहा, बोल्ड के साथ एक्स्ट्रा बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। तो मैं एक्टर को अभी सेमी बोल्ड में करने वाला हूँ, देन देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। तो अभी हमने और पतला कर लिया, तो अभी ये सेमी बोल्ड एंड ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा बोल्ड। तो अभी ये अच्छा लग रहा है एंड इसको आप लोग को अच्छे से एडजस्ट करना है। देन इसी तरीके से आप लोग को सारा यहाँ पे नेम लिखना है। तो अभी मैं इसको पहले थंबनेल को पूरा अच्छे से यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ एंड कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्टर लिखा हुआ है एंड माही लिख रहा है, तो यहाँ पे जो नाम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि जो आप लोग को नाम लिखना है वो बोल्ड में लिखना है, देन उससे कम बोल्ड में आप लोग जो नाम मतलब जो रोल है उनका वो चीज़ आप लोग को लिखना है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी है वो चीज़ आप लोग को कम बोल्ड में लिखना है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। तो अभी आप लोग को थंबनेल को सेव करने के लिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, सेव एज इमेज करना है, देन आप लोग को डिफॉल्ट पर टैप करना है, यहाँ से अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी करना है।